शांति। आज 22 अप्रैल 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठे मीठे बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम बच्चों से दान लेने। सोचा होगा कि बच्चे दान, बाबा दान लेंगे, लेते हैं दान, तुम बच्चों से दान लेने। क्या दान लेंगे? तुम्हारे पास जो भी पुराना कीचड़ा है उसे दान दे दो तो क्या फायदा होगा? आप पुण्य आत्मा बन जाएंगे। प्रश्न, पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में चलना है तो सबसे ममत्व मिटाओ। 5 विकारों को छोड़ो। इस अंतिम जन्म में चिता पर बैठो। ये अंतिम जन्म है, कहां बैठो? चिता पर बैठो, ज्ञान चिता पर बैठो। पवित्र बनो तो पुण्य आत्मा बन पुण्य की दुनिया में चले जाएंगे। ज्ञान योग को धारण कर अपनी देवी चलन बनाओ। बाप से सच्चा सौदा करो। बाप तुम्हारे से लेते कुछ नहीं, सिर्फ ममत्व मिट जाए। उसकी युक्ति बताते हैं, बुद्धि से सब बाप हवाले कर। बुद्धि से क्या करो? सब बाप के हवाले कर दो। गीत, इस पाप की दुनिया से दूर, कहीं दूर ले जा। क्यों? सब दुखी हैं इस दुनिया में, सब दुखी, बस कोई ज्यादा तो कोई कम, फर्क इतना है। तो सब क्या चाहते हैं कि भगवान हमें ऐसी दुनिया में ले चलो जहां बस क्या हो, शांति शांति, सुख ही सुख। ओम शांति। दुनिया के मनुष्य व रावण राज्य के मनुष्य पुकारते, हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ। पावन दुनिया अथवा पुण्य की दुनिया में ले चलो। गीत बनाने वालों को इन बातों की समझ नहीं। उन्होंने गीत तो बना दिया, वो तो ये नहीं मालूम कि वो पुण्य की दुनिया कौन सी होगी, सुख की दुनिया कौन सी होगी। पुकारते हैं रावण राज्य से राम राज्य में ले चलो, वो तो नहीं कहते रावण राज्य से ले चलो, वो तो ये कहते हैं राम राज्य हो। मतलब राम राज्य हो इसका मतलब राम का राज्य नहीं है। तो राम का राज्य नहीं है तो ऑटोमेटिक रावण का राज्य है। परंतु अपने को कोई पतित समझते नहीं, अपने को कोई भी पतित नहीं समझते। उनको कहो कि तुम पतित हो, कहते नहीं हम क्यों पतित हैं। अपने बच्चों के पास तो सम्मुख बाप बैठे हैं राम राज्य में ले चलने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। राम भगवानोवाच नहीं। भगवान तो निराकार है, निराकारी आकारी साकारी तीन दुनियाएं हैं ना। निराकार परम आत्मा, निराकारी बच्चों के साथ, निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। अभी बाबा आया हुआ है स्वर्ग का राज्य भाग्य देने, हमको पुण्य आत्मा बनाने। बाबा क्या करने आए हैं? हमको स्वर्ग का राज्य भाग्य देने, हमको पुण्य आत्मा
बनाने। राम राज्य माना दिन, रावण राज्य माना रात। ये बातें कोई नहीं जानते, ये दुनिया वाले नहीं जानते। तुम्हारे में भी कोई विरला जानते, तुम्हारे में भी कोई विरला जानते हैं। इस ज्ञान के लिए भी पवित्र बुद्धि चाहिए, इस ज्ञान के लिए भी क्या चाहिए? पवित्र बुद्धि चाहिए। मूल बात है याद, अच्छी चीज हमेशा याद रहती है। तुमको पुण्य क्या करना है, तुमको पुण्य क्या करना है? तुम्हारे पास जो किचड़ा है ना, वो हवाले कर दो। किसके? बाबा के। वो मेरे हवाले कर दो, जो तुम्हारे पास किचड़ा है। मनुष्य जब मरते हैं तो क्या करते हैं? उसके बिस्तर, कपड़े आदि सब करनी खोर को देते हैं। वे दूसरे किस्म के ब्राह्मण होते हैं। अब बाप अबाबा आया है तुम्हारे से क्या करने, बाबा आया है क्या करने आया है? दान लेने के लिए। क्या दान देंगे भाई? ये पुरानी दुनिया सारी क्या करनी है? पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, सब कुछ, सब कुछ सड़ा हुआ है। क्या करो अब? ये मुझे दे दो, फिर चढ़ाएगा, फिर चढ़ाएगा ना। क्या करूं, तुम्हारा बीमार तन है ना, गंदा मन, किसी भी काम में ना आने वाला धन, और खुद कहता है कि दे दो, ये मुझे दे दो, इससे ममत्व मिटाओ। इससे क्या करो? ममत्व मिटाओ। बल 10-20 करोड़ हैं, मान लो आपको 10-20 करोड़ हैं, तो कोई बात नहीं बल। परंतु बाप कहते हैं इनसे बुद्धि निकाल दो, इनसे बुद्धि निकालो। हाँ, थोड़े हैं, ज्यादा है। बिना धन के गुजारा ही नहीं। परंतु बाबा कहता है ये सारा धन कितना भी है उससे बुद्धि क्या करो? निकाल। बदले में तुमको सब कुछ नई दुनिया में मिलेगा। बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा? सब कुछ नई दुनिया में दे दूंगा। कितना यह सस्ता सौदा है? बाप कहते हैं जिनमें मैंने प्रवेश किया है, जिनमें मैंने प्रवेश किया है, उसने सब सौदा किया, अपना सब कुछ बाबा को दे दिया। अब देखो उसके बदले में कितना राज्य भाग्य मिलता है। कुमारियों को तो कुछ देना ही नहीं है, वर्षा मिलता है बच्चों को, तो उनको मिल्कियत का नशा रहता है। आजकल स्त्री को हाफ पार्टनर थोड़े ही बनाते हैं, सारा बच्चों को ही दे देते हैं। हाँ जी, तब की भी अब की भी, हर एक का अपना अपना विचार है। पर अब कानूनी तौर पे तो कौन नहीं, लड़कियों का पहले नहीं था, लड़कियों का तो खैर जवाहरलाल नेहरू को करना पड़ा इंदिरा के कारण, वरना तो वो भी ना करता, क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टी रोल रही थी, कि उसके कोई लड़का था नहीं कहाँ जाते, तो इसलिए कानून बन गया इंदिरा गांधी के कारण, वरना तो ये भी कानून बनने वाला नहीं था। तो लेडीज मतलब
नहीं ऐसा है ना कि पति चाहे उसका विचार ना बने, वो बच्चों को दे जाए, क्या करेगा पत्नी, क्या करेगी? जिसको जिसके नाम कर जाए, आप जीते जी वो जिसको दे जाए। नाम देखा था फिर तो बीवी हाँ वो तो ऑटोमेटिक वाइफ मालिक है, ठीक नहीं? बाकी वैसे मतलब यदि वो पहले यदि उसने कुछ बेच दिया है, किसी के नाम कर दिया है, या विल भी कर गया है, तो जिसके नाम विल कर गया उसको मिलेगी। मतलब इसके अंदर ये बात सारी बात समझने वाली हमारी ये है कि बाबा कह रहे हैं कि आजकल समझते थोड़े हैं, आजकल तो व्यक्ति अलग अलग हो गए हैं, संबंधों के अंदर तो बहुत बुरा हाल हो गया है, ठीक है? मतलब पहले था फिर भी थोड़ा बहुत प्यार, समाज, बिरादरी, शर्म, लिहाज कुछ होता था, अब कुछ नहीं। अब बस अपने तक जी रहे हैं सब, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि दूसरे का क्या होगा। ये भी हमारे सबके अपने अपने कर्मों के हिसाब से सबको मिलता है, क्योंकि किसी जन्म में, किसी का दोष हाँ, किसी को दोष नहीं दे सकते। नहीं। परंतु ये आज के टाइम में जो है बाबा वो बता, आजकल स्त्री को हाफ पार्टनर थोड़े ही बनाते हैं, सारा बच्चों को ही दे देते हैं, क्योंकि दे देगा तो क्या करेंगे ना, संबंध अच्छे हैं तो नहीं देगा। पुरुष मर जाता है तो स्त्री को कोई पूछता भी नहीं, या तो तुम बच्चे तुम बाप से फुल वर्षा लेते, यदि वाइफ पति कर गया है कुछ तो पूछेंगे बच्चे भी, और यदि कुछ नहीं कर गया तो कोई नहीं पूछे, बच्चे मतलब ही नहीं जो पूछे, और इतने चालाक होते हैं कि उससे पता नहीं कब साइन करा लेते, हर प्रकार के बच्चे हैं, हिसाब किताब है वो भी। यहां तो तुम बाप से फुल वर्षा लेते हो, यहां तो बाप से तुम्हें क्या मिलता है, पूरा का पूरा वर्षा जितना ले सको। यहां तो कोई मेल फीमेल का सवाल ही नहीं कि कोई पुरुष है या स्त्री, यहां तो सीधे सब आत्माएं क्या हैं, बराबर है, और बाप से हक लेने का अधिकार सबको बराबर है, सब वर्षे के अधिकारी हैं। माताओं कन्याओं को तो और ही हक जास्ती मिलता है, माताओं कन्याओं को तो और ही जास्ती हक मिलता है। क्यों? क्योंकि कन्याओं का लौकिक बाप के वर्षे में ममत्व नहीं है, ममत्व नहीं है, वास्तव में तुम सब कुमार कुमारियां हो गए, तुम सब कौन हो, कुमार कुमारियां, बाप से कितना वर्षा पाया है। एक कहानी है, राजा ने बच्चियों से पूछा किसका खाती हो, बच्चियों से पूछा, तो एक ने कहा अपने भाग्य का, तो राजा ने उसको निकाल दिया। वे बाप से भी सौकार हो गई, तो उसकी कोड़ी के साथ शादी कर दी, उसका कोढ़ भी खत्म हो गया, राजा बन गए और बाप से भी अमीर हो गए। जस्ट कहानी है, सच क्या है झूठ क्या है वो एक अलग बात है, परंतु ऐसा हो सकता है, ये भी नहीं है कि नहीं हो सकता। बाप को निमंत्रण दिया, पूछा अब किसका खाते हो, देखो तो बाप भी कहते हैं बच्चे तुम सब अपनी तकदीर बनाते, हर एक अपने अपने भाग्य का पाता है, कोई किसी दूसरे के भाग्य का नहीं पाता। मतलब ये बात हमें अपनी बुद्धि के अंदर, कोई कहे मेरे भाग्य में इसके कारण दुख आ रहे हैं, नहीं, किसी के कारण दुख नहीं आ रहे, किसी भी, ना माँ के कारण, ना बाप के कारण, ना पत्नी के कारण, ना पति के कारण, ना बच्चे के कारण, किसी दूसरे को कोई दोष दे रहा है ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। जो कुछ भी मेरे को दुख मिल रहा है, जिसके द्वारा मिल रहा है, मेरा ही कार्मिक अकाउंट, तुम सब अपनी तकदीर बनाते हो। दिल्ली में एक ग्राउंड है, उसका नाम रखा है रामलीला ग्राउंड, वास्तव में उसका नाम क्या होना चाहिए, रावण लीला ग्राउंड, है नहीं? क्योंकि आजकल दुनिया में क्या चल रही है, रावण लीला चल रही है, तो ग्राउंड रावण लीला होना चाहिए, रख रखा है। हाँ,
हाँ आज भी है, तब बाबा के तो उस टाइम था, अब भी है, वो तो उसी टाइम से रामलीला कराऊ ना, बाबा के टाइम से है, क्योंकि इस समय सारे विश्व में रावण लीला चल रही है। बच्चों को रामलीला ग्राउंड लेकर उसमें चित्र लगाने चाहिए, एक तरफ राम का चित्र हो और नीचे बड़ा रावण का भी चित्र हो, बहुत बड़ा गोला हो, बीच में लिख देना चाहिए ये है ये राम राज्य और ये है रावण राज्य। तो समझ जाए, देवताओं को देखो कितनी महिमा है, देवताओं की देखो कितनी महिमा है। सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, आधा कल्प है कलयुगी भ्रष्टाचारी रावण राज्य, उसमें सभी आ जाते हैं। अब रावण राज्य का अंत तो राम ही करेंगे, इस समय रामलीला है नहीं, सारी दुनिया में रावण लीला है। रामलीला होती है सतयुग में, होती है रामलीला सतयुग में, सतयुग में तो नहीं होती है, सतयुग में तो नहीं होगी ना रामलीला, फिर बाबा क्यों कह रहा है सतयुग में रामलीला, वो तो सतयुग में ही है। हम्म, इसका जो सार निकलता है वो होता तो सतयुग में, जो हमारे संस्कार अब बह रहे हैं संगम युग पर रावण एक तरफ, दूसरी तरफ राम, परंतु तब केवल राम है। हाँ, राम तो होता नहीं है, राम राज्य होता है, नहीं राम राज्य, तो अभी राम राज्य को प्राप्त करने की प्रैक्टिस अभ्यास चल रहा है, और सतयुग में हमारे पास क्या होगा, राम राज्य। लीला बना खेल, लीला का मतलब खेल है ना, कार्य है ना, जो कुछ भी किया, मतलब जो कुछ भी राम के राज्य, मतलब राम का खेल, रामलीला का मतलब ऐसा खेल जिससे सबको सुख मिलता हो, तो वो तो सुख वहां ही मिलेगा। राम राज्य या रामलीला मतलब सुख देने वाली लीला, ये थोड़ा है कि राम था रावण था लड़े किया ये किया वो किया, अब दुनिया के दिमाग में ये रामलीला है, वास्तव में राम राज्य या रामलीला का मतलब है सुख का खेल, सुख की दुनिया, परंतु आज ये सारी क्या बनी हुई है, दुख की दुनिया। लेकिन सभी अपने को बड़ा अक्लमंद समझते हैं और अपने साथ कौन सा टाइटल लगाते हैं, श्री 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 श्री, और बाबा कहता है श्री श्री का टाइटल किसके साथ लग सकता है, सिर्फ मेरे साथ, मैं ही आकर श्री बनाता हूं, परंतु उन्होंने अपने साथ ही श्री श्री लगा दिए। ये टाइटल तो है निराकार परम पिता परम आत्मा शिव का, जिस द्वारा श्री लक्ष्मी श्री नारायण भी राज्य पाते हैं। अब बाबा आए हैं तुमको भक्ति रूपी अंधकार से छुड़ाकर कहां ले जाने के लिए, सोजरे में ले जाने के लिए, जिनमें ज्ञान योग होगा, क्या क्या होगा, ज्ञान होगा और योग होगा, योग का मतलब प्रयोग, ज्ञान को वो अपने जीवन में प्रैक्टिकल करता होगा, तो उनकी चरण भी देवी होगी। ज्ञान को यदि अपने जीवन में प्रयोग ही नहीं करेगा तो देवी गुणों की धारणा उसके जीवन में नहीं हो सकती। आसुरी चरण वाले किसका भी कल्याण नहीं कर सकते, झट मालूम पड़ जाता है इसमें आसुरी अवगुण है या देवी गुण, अभी तक कोई संपूर्ण तो है नहीं, अभी बनते जाते हैं। तो बाबा तो दाता है, बाबा तो दाता है, तुमसे कोई क्या लेंगे, जो कुछ लेते हैं वो तुम्हारी सेवा में लगा देते हैं। बाबा ने इनको भी सरेंडर कराया, इनको भी क्या कराया, सरेंडर कराया, भट्टी बनानी है, बच्चों को पालना करनी है, पैसे बिगर इतनों की पालना कैसे होगी, पैसों बिगर इतनों की पालना कैसे होगी, कोई ना फ्रिज से निकाल देना ठंडा बहुत हो गया,
पहले बाबा ने इनको अर्पण कराया, फिर आ गए उनको भी अर्पण करवाया, परंतु सभी की एक रस अवस्था तो बनी नहीं, सभी की एक रस अवस्था तो बनी नहीं। बहुत चले भी गए, बहुत चले भी गए। बिल्ली के पुंगरे की कहानी है। इस कहानी को आज कैसे कहा है बाबा ने, विचार करना। बिल्ली के पुंगरे की कहानी है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सब पक कर निकले। कौन पक कर निकले? पुंगरे बाकी मर गए, कुछ मर गए होंगे। हाँ जी, यहाँ तो मर गए शब्द बाबा ने यूज नहीं किया। मतलब पहले जो हम ये कहानी को सुनते थे कि मटके सारे पक गए और बिल्ली के बच्चे जिस मटके में थे वो बच गए। मतलब ये हम अपनी तरफ से कहानी, क्योंकि हम कहानी सुनते आ रहे हैं, सुनाते आ रहे हैं, तो लगा तो कैसे भी दो, पर तो बे परत के अंदर थे वो तो पक्के रह गए, रह गए। चलो, मतलब हमें मेन बात भाव हमें समझ में आया है बाबा क्या कहना चाहता है, परंतु ये कहानी एक्चुअल में क्या है वो समझ में नहीं आ रहे। बिल्ली के पुंगरों की कहानी है, क्योंकि मटके में बच्चे दे दिए थे और वो मटका आवे में लग गया, चाहे वो झूठी कहानी है चाहे सच्ची कहानी है, कहानी कहानी है, ठीक है ना। बच गए, मटका पक गया और बच्चे बच गए, मतलब ये सोचने वाली बात है ना। हाँ, प्रहलाद की स्टोरी में फिर भी थोड़ा सीधा सा है कि चादर उड़कर प्रहलाद को ढक लेती है और वो मर जाती है और प्रहलाद बच जाता है, ठीक नहीं। उसमें लॉजिक थोड़ा सा बैठ रहा है, चाहे वो भी कहानी। हाँ, वो साधन किसको यूज हुआ? प्रहलाद को यूज हुआ। सब पक करके ही निकले। बाबा तो पुण्य की दुनिया में ले चलते हैं, सिर्फ कहते हैं पांच विकारों को छोड़ो तो हम तुमको प्रिंस प्रिंसेस बनाएंगे। ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे भूतों को हो जाता है, वहां से लिखकर भेज देते हैं, बाबा हम आपके बन गए हैं, हमारा सब कुछ आपका है। बाबा कुछ लेते नहीं। बाबा कहते हैं सब कुछ अपने पास रखो, बाबा कहते हैं सब कुछ अपने पास रखो। यहां मकान बनाते हैं, यहां मकान बनाते हैं, कोई पूछते हैं पैसा कहां से लाया? अरे इतने ढेर बच्चे हैं बाबा को प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है ना, कहते हैं सिर्फ ममत्व मिटाओ। क्या कहते हैं? ममत्व मिटाओ, तुम्हें वापस घर जाना है, बाबा को याद करो, हम आपको हमको भगवान पढ़ाते हैं तो खुशी का पारा रहना चाहिए, खुशी का पारा तो रहना चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण को भगवान नहीं कहेंगे, क्यों? भगवान भगवती नहीं कहेंगे? कभी कहा, कभी चर्चा हुई है हमारी, भगवान किसे कहते हैं? तो नहीं, पांच तत्व वायु अग्नि नीर, परंतु भगवान किसे कहते हैं? जो इन पांचों तत्वों को कंट्रोल करता है, नियंत्रक है, वो भगवान है। ये पांच तत्व हैं, इन पांचों तत्वों को कंट्रोल करने वाला भगवान। तो शिव बाबा कहते मैं इन पांचों तत्वों को कंट्रोल करता हूं,
फिर कभी कभी मुरलियों में कहता है मैं आकर भगवान भगवती बनाता हूँ, प्रकृति को कंट्रोल करना सिखाते हैं। और लक्ष्मी नारायण प्रकृति को कंट्रोल कर लेते हैं इसलिए उनको भगवान भगवती कहते हैं, परंतु अगले सेकंड क्या हो जाता है, धीरे धीरे, इसलिए उन्हें भगवान भगवती नहीं कह सकते, क्योंकि अगले सेकंड वो उन्हीं के वशीभूत होना शुरू, फिर उसे भगवान भगवती नहीं कहेंगे। बनते हैं परंतु रहते नहीं है, मतलब बात को हमें समझना है, बनते हैं परंतु रहते नहीं है। भगवान के पास भगवती होती नहीं, नई बात है ना, भगवती नहीं होती है ना। नारायण के पास लक्ष्मी है, भगवान भगवती बने, परंतु उसके बाद उन्होंने गिरना शुरू कर दिया इसलिए उनको भगवान भगवती नहीं कह सकते। परंतु बाबा कहता है भगवान के पास भगवती होती नहीं, कितनी युक्ति युक्त बात है, कितनी युक्ति की बात है, सिवाय सन्मुख ये बातें कोई समझ ही ना सके, वे सामने ना हुए तो ये बातें उसको समझ में नहीं आ सकती। बाबा सामने पढ़ा रहा है, भगवान पढ़ा रहा है, सामने आकर के कोई सुने तो उसको समझ में आ जाए, और नहीं तो ये समझ नहीं सके। गाते भी हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव विद्याश्च द्रविणम्। अब ज्ञान ना होने के कारण लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर कह देते हैं तुम ही हो माता, राम के आगे जाकर कह देते हैं, गणेश के आगे जाकर कहते हैं, हनुमान के आगे जाकर कहते हैं, उन शादी नहीं की उसको कहते हैं तुम ही हो माता पिता तुम। ये महिमा गाते ही रहते हैं। अरे वे तो साकारी थे, शरीरधारी थे, उनको अपने बच्चे ही माता पिता कहेंगे, सबके दो दो बच्चे दिखाए, कहानी लिखने वाले बड़े समझदार थे, सबके दो दो बच्चे दिखा दिए, गणेश के भी दो दो बच्चे कहने, और उनकी दो दो पत्नियां भी दिखा दी हैं, मैक्सिमम की रिद्धि भी सिद्धि भी पत्नियां हैं, पता नहीं कहां कहां से क्या बना देते। तुम उनके बच्चे हो कहां, जो उनको तुम माता पिता कह रहे हो, उनके बच्चे उनको माता पिता कहेंगे, तुम तो रावण के राज्य में हो, ये ब्रह्मा भी माता है, इन द्वारा बाबा कहते हैं तो मेरे बच्चे हो, परंतु किसके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा कहते हैं, परंतु माताओं कन्याओं को संभालने वाली माता चाहिए, एडॉप्टेड बच्ची है वो, देखो कितनी बात को अच्छी तरह समझा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे, एडॉप्टेड बच्ची है, बीके सरस्वती, खाली सरस्वती नहीं का, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती, ब्रह्मा की बच्ची है, नहीं तो दुनिया के दिमाग जो है ना अपनी रीति से चलते, कितनी गुहे बातें हैं। बाबा जो ज्ञान देते हैं वो कोई भी शास्त्रों में नहीं है, कोई भी शास्त्रों में नहीं है। भारत का एक मुख्य शास्त्र है गीता, उसमें ज्ञान के पढ़ाई की बातें, ज्ञान के पढ़ाई की बातें हैं, उसमें चरित्र की कोई बात नहीं, गीता में चरित्र की कोई बात, ज्ञान से मर्तबा मिलता है, बाबा जादूगर है, तुम गाते हो रत्नागर जादूगर, तुम्हारी झोली भरते हैं स्वर्ग के लिए। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी करते हैं परंतु उनसे कुछ लाभ नहीं, उनसे कुछ लाभ नहीं, लिखेंगे पढ़ेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। साक्षात्कार से तुम कोई वो बन गए, बन गए क्या,
कितने भी साक्षात्कार किए, किसने भी साक्षात्कार किया, कुछ बन गया क्या? साक्षात्कार मैं कराता हूं। बाबा कहते साक्षात्कार मैं कराता हूं, पत्थर की मूर्ति थोड़ा ही साक्षात्कार कराएगी। उसी कहते हैं। और जो कालिदास है तो काली के उन्होंने भी दर्शन दिए थे। नहीं, कालिदास तो काली का भगत नहीं था, अभिज्ञान, उन्होंने तो अभिज्ञान शुकंतलम लिखा था कालिदास ने। उनकी उनकी कहानियां छोड़ो, मतलब मेन बात सीधी सी समझनी है कि तुलसीदास को साक्षात्कार दिखाते हैं, है नहीं, मतलब हनुमान बंदर के रूप में आके उसको बताता है, तो तुलसीदास चंदन गिने किसकी से तिलक करें रघुवीर, मतलब वो पहचान नहीं पाता है, कहते है जिसको तुम तिलक लगा रहे हो ना ये राम है, मतलब वो बताता है उसको। तुलसीदास ने खुद लिख दिया, खुद लिखा है तुलसीदास ने, किसी और ने तो लिखा नहीं है कि हनुमान जी ने कहा आकर बैठे और उन्होंने आके बताया कि तुलसीदास चंदन किसे तिलक करे रघुवीर, बस उनको राम का पता लग गया कि यही राम है। कहां से राम आया? आज से 500 साल पहले कौन सा राम खड़ा था यहाँ, इंतजार कर रहा था तुलसीदास मेरी रामायण लिखेगा, मैं उसको आके शक्ल दिखाऊंगा। उसने वाल्मीकि को कुछ ना दिखाया, वाल्मीकि ने अपनी मर्जी से जो लिख दी रामायण लिख दी। नवदा भक्ति में भावना तो शुद्ध होती है, उनका उजूरा मैं दे देता हूं, तो उनकी भावना शुद्ध थी जिसके कारण उनको साक्षात्कार करा दिया, परंतु तमो प्रधान तो बनना भी है, फिर भी तमो प्रधान ही बनना, ये तो ना कि वो सतो प्रधान हो गए, दर्शन कर लिए देख लिया उससे कोई वो सतो प्रधान थोड़ा हो गए या उनके पाप थोड़ा कट गए। मीरा ने साक्षात्कार किया पर तो ज्ञान तो कुछ भी नहीं था। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होते जाएंगे, अभी तो सभी मनुष्य पतित हैं, गाते भी हैं, हमें ऐसी जगह ले चलो जहां सुख चैन पाए। जो मीरा के भजन है या कबीरदास के भजन है या जितने भी संत हुए हैं सबके भजन हैं, उन्होंने अपने जीवन से जो श्रेष्ठ समझा, जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव लिया हुआ था, उस अनुभव के आधार पर समझा दिया। बाकी कोई वो कोई ऊपर से कोई ज्ञान तो लेके नहीं आए थे, उनकी बुद्धि पवित्र थी। हमारे जैसे आज समझो बुद्धि कितनी तमो प्रधान हो गई है, वो आज से जब जितना पहले आए उनकी बुद्धि फिर भी बहुत अच्छी थी, जिसके कारण उन्होंने अच्छा मार्गदर्शन समाज को दिया। परंतु उसके बाद भी समाज ने तो गिरना ही था ना, चढ़ती कला तो नहीं हुई ना, सुधार तो नहीं हुआ ना। उस समय सुधार महसूस हुआ, ये नहीं है कि उस समय महसूस नहीं हुआ, परंतु आगे चढ़ती कला नहीं हुई, सब गिरते ही आए। तुम भारतवासियों को सतयुग में बहुत सुख था, सतयुग का नाम बाला है ना, स्वर्ग भारत में ही था, परंतु समझते नहीं, ये भी जानते नहीं, जानते हैं कि भारत ही प्राचीन था। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर कॉमन है बात, भारत सोने की चिड़िया था, अमेरिका सोने की चिड़िया था नहीं, रूस सोने की चिड़िया था नहीं, किसी और देश के बारे में ये शब्द नहीं है, ये शब्द है तो केवल और केवल भारत सोने की चिड़िया था। क्योंकि जो भी गए, जिस भी खंड पर गए, उन्होंने ये बात अपने बच्चों को बताई कि हम जहां रहते थे वो दुनिया स्वर्ग थी, वो दुनिया स्वर्ग थी। बताने का तरीका उनका कुछ भी रहा हो, चाहे वो इब्राहिम का साहित्य हो, चाहे बाइबल हो, चाहे दुनिया के कोई भी धर्म ग्रंथ, जो भी आचार्य विद्वान संत हुए हों, उन्होंने जो भी बताया बताया, परंतु उन्होंने बताया कि जहां पहले थे वो स्वर्ग था, हमें स्वर्ग से गिराया गया या हम स्वर्ग से गिरे, उसको कहने का तरीका उनका बल अलग रहा कि जब हम विकार में गए तो स्वर्ग से गिरा दिया गया,
एडम और ईव के बारे में कहा ना कि उनको क्यों स्वर्ग से गिराया गया, क्योंकि वो विकार में गए। इसी प्रकार जब पतित हुए तो स्वर्ग से नरक में आए। तो पहले जब स्वर्ग था तो पावन थे, सुख का समय था, बहुत अच्छी दुनिया थी, मतलब उन्होंने जैसा जैसा उनको समझ में आया वो बताया। ये भी जानते हैं भारत ही प्राचीन था, स्वर्ग था, वहां कोई और धर्म नहीं था, क्योंकि सभी एक ही धर्म के थे। जो भी गए सभी की भावनाएं विचार एक जैसे थे, इसलिए जितनी भी सभ्यताएं हैं वर्ल्ड की, उन सभी सभ्यताओं में एक जैसा खान पान रहन सहन मिला। बर्तन भांडे मतलब जो भी समान, उनकी जो विचार थे वो एक समान थे। सारी सभ्यताएं 2000 साल से पहले की, आज से 2000 साल से पहले की। तो जो वो आए, वो जहां रहे, उसके बाद प्रकृति के कारण उनके मकान दब गए, तो वो सारे के सारे एक जैसे ही मिले। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। तुम सभी अब श्रवण कुमार और श्रवण कुमारियां बनते हो। आज ये नया नाम है, पहले नहीं आया ना कभी। मैंने आज पहली बार इस नाम को पढ़ा है कि हम कौन हैं, श्रवण कुमार और श्रवण कुमारियां। क्यों कहा होगा हमें श्रवण कुमार श्रवण कुमारियां? तुम सबको ज्ञान की कवाठी पर बिठाते। उसने तो सिर्फ अपने माता पिता को ज्ञान की कवाठी पर बिठाया था, वो तो तुमने किसको बिठाना है? हमने सबको, हमने सिर्फ अपने माता पिता को नहीं, हमने सबको ज्ञान की कवाठी पर बिठाना है और फिर उनको क्या कराना है, सारे तीर्थों पर जहां पर ज्ञान स्नान हो है नहीं, वहां लेके जाना है ताकि वो ज्ञान स्नान करके पवित्र बने, श्रेष्ठ बने। ये काम हमें कावाठी कावड़ जो उठाया ना, श्रवण कुमार ने उठाई थी ना, एक बैंगी सी बोलते हैं, कावड़ बोलते हैं जिसको, दुनिया वाले कावड़ कहते हैं, शिव के लिए शंकर के लिए उठा के लाते ना, कावड़ बोले। हम इन तीर्थों पर लेके आए ना, हम इसी तीर्थ पर लेके आएंगे ना, जहाँ ज्ञान होगा वही तीर्थ हो गया ना। जब हम बाबा का ज्ञान सुनाएंगे तो वही तीर्थ हो गया। तो ये हम उनको ज्ञान स्नान कराएंगे ना। हमने क्या उनको ज्ञान की चिता पर बिठाने की जगह आज बाबा ने क्या कर दिया है, ज्ञान की कावड़ पर बिठाना है। तुमको सब मित्र संबंधियों को ज्ञान दे उठाना है। बाबा के पास युगल भी आते हैं। आगे तो जिस्मानी ब्राह्मण से हथियाला बंधवाते थे, शादी करवाते थे, हथियाला बांधते थे, परंतु अब तुम रूहानी ब्राह्मण क्या करते हो, काम चिता का हथियाला तोड़ते हो, बाबा के पास आते हो, तो बाबा पूछते हैं स्वर्ग में चलेंगे, पूछते स्वर्ग में चलेंगे। कोई कहते हैं हमको स्वर्ग यहाँ ही है, अरे ये अल्पकाल का स्वर्ग है, तुम्हें यहाँ जो स्वर्ग है, जो सारे साधन समझ रहे हो स्वर्ग के, ये तो अल्पकाल का स्वर्ग है। मैं तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग दूंगा, परंतु पहले पवित्र रहना पड़ेगा, परंतु पहले पवित्र रहना पड़ेगा। बस इस ही बात में डीले पड़ जाते हैं, कहते हैं हम जा रहे हम नहीं आएंगे। अरे बेहद का बाप कहते हैं तो ये अंतिम जन्म ज्ञान चिता पर बैठो, तो देखा जाता है स्त्रियां झट आ जाती, बहने जल्दी आ जाती, स्त्रियां झट आ जाती हैं। कोई फिर कहती हैं पति परमेश्वर को नाराज कैसे करें, नाराज कैसे करें, बाबा के बने तो कदम कदम पर श्री मत पर चलना पड़े। अब बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने, पवित्र बनाने। पवित्र बनना अच्छा है ना, कुल कलंकित मत बनो। बाप कहेंगे ना, लौकिक बाप तो चमाट भी मारेंगे,
मम्मा मीठी होती है, बहुत मीठा रहम दिल बनना है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम मुझे बहुत गालियां देते हो, फिर भी अब मैं अपकारी पर भी उपकार करता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा रावण मत पर यह हाल हुआ है, जो सेकंड पास हुआ वे ड्रामा, जो सेकंड बीत गया वो ड्रामा, परंतु आगे के लिए खबरदार रहना कि हमारा खाता खराब ना हो। हर एक को अपनी प्रजा भी बनानी है, राजा बनना है तो क्या बनानी है, प्रजा भी बनानी है। दिखाई देती है कि हमारे से प्रजा बनेगी, बाबा पता नहीं कैसे देखता रहता है। बाबा कहता है हर आत्मा के पीछे झाड़ है, हर आत्मा के पीछे एक झाड़ मिल जाएगा, वो एक अलग बात है। नहीं मतलब झाड़ हर एक का झाड़ भी चाहिए ना, मतलब सबके पीछे झाड़ जितना अच्छा होगा तब तो अच्छा है ना। नहीं नहीं मेरे पीछे क्यों जाएंगे, सबका अपना अपना झाड़ है भाई, हर एक का अपना अपना झाड़, अपने अपने समय पर निकलना है। कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं जानेगा उस टाइम कौन राजा और कौन प्रजा। मतलब ये सिर्फ हम अभी अपने ख्याली पुलाव बनाते रहे कुछ भी, वो हमारी अलग बात है। परंतु जब हम सतयुग में होंगे तो हम अपने कर्मों के प्रभाव से एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, फिर हिसाब किताब से। बाकी जो है ये पता नहीं होगा कि हम कभी बिना एसी के गर्मी में बिना लाइट के मुरली पढ़ते थे, सुनते थे, बैठते थे, वो कभी किसी को याद नहीं आएगा। लक्ष्मी गार्डन वाले देखो, बरामदे में बैठकर सर्दी गर्मी मुरली पढ़ते हैं, कितनी तीखी ठंड हो, कितनी तीखी लू हो, बरसात हो, कुछ हो, है ना उनका बरामदे में दरवाजे के आगे ड्योढ़ी है उसमें बैठते हैं, वो जो ऊंचा सा घर है। हाँ हिम्मत है ना उनकी, ठंडी इतनी तीखी ठंडी ठंडी जो है ना, चुभती हुई ठंडी हवाएं आती है वहां पर, और उनकी हिम्मत है कि घर से आते हैं अपने गरम गरम, कुछ नहीं होता, कहाँ से आएंगे। मतलब हिम्मत वाली बात है, घर से गरम गरम निकल के ठंड में आना, ठंड में आराम से पंखे के नीचे, भाई पंखा तो लगा हुआ है, खैर मतलब वहां के बैठ जाएंगे, पाने वाली बात होगी ना, और वो फिर ऐसा ही बन जाता है। हाँ वो तो हैबिट डालने पर है। फिर जब है तो है, यही है तो यही है। अब जो पड़े धूप में पड़े हुए हैं मिस्त्री हैं, काम कर रहे हैं ना, धूप में काम कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है वो तो। जैसे भी मतलब कहने का है कि हर एक का अपना पार्ट है, वारिस भी बनना है, मुरली कोई मिस नहीं करनी, हर एक को अपनी प्रजा भी बनानी है, मुरली मिस नहीं करनी है, कोई पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि मुरली मिस हुई तो कोई पॉइंट मिस, अच्छे अच्छे ज्ञान रतन निकल जाएं, और सुने नहीं तो धारणा कैसे करेंगे। रेगुलर स्टूडेंट मुरली कभी मिस नहीं करेंगे, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो मुरली कभी मिस नहीं करेंगे। कोशिश कर रोज वाणी पढ़नी चाहिए, मुरली पढ़नी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, अपना खाता खराब ना हो, उसके लिए बहुत खबरदार रहना, मतलब मेरे से कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जो किसी आत्मा को दुख पहुंचे।
मेरे से कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जो किसी आत्मा को दुख पहुंचे। इसलिए बहुत खबरदार रहना है, कभी कुल कलंकित नहीं बनना, कोई ऐसा कर्म नहीं कर देना जिससे हमारे कुल को ही कलंक लगे। पढ़ाई रोज पढ़नी है, मिस नहीं करनी है, पढ़ाई मिस नहीं करनी है। धारणा के लिए मुख्य सार दो, श्रवण कुमार श्रवण कुमारी बन ज्ञान कवाठी कावर पर सब को बिठाना है। मित्र संबंधियों को भी ज्ञान दे उनका कल्याण करना है। वरदान, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भाव। एक शब्द है कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, और एक शब्द है रूलिंग। अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से, पहले तो हमें अपना ऑक्यूपेशन क्या है हमारा, ऑक्यूपेशन क्या है हमारा, हमारा ऑक्यूपेशन बाबा की श्रीमत पर चलना। और सोचो ऑक्यूपेशन धंधा, आपका धंधा क्या, हमारा यही है जो बाप का धंधा वो हमारा धंधा, सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करना। परंतु कल्याण करने से पहले बाबा के काम करने में और हमारे काम करने में अंतर होगा ना। बाबा तो सर्वोच्च है, बाबा तो सर्वज्ञ है, परमात्मा तो मतलब सभी धारणाओं को धारण किए हुए है, स्वरूप है, ज्ञान का स्वरूप, प्रेम का स्वरूप, शांत का स्वरूप। परंतु हमें वो बनना है पहले, फिर हम औरों को बनाएंगे ना। खाली ये थोड़ा है कि हमें दो दुनी चार कहना आ गया है, हमने भी दूसरे को दो दुनी चार कहना सिखा दिया, काम हो गया, उससे थोड़ा कोई बात बनेगी। तो हमें पहले पूरा बनना है, फिर तो पूरा बनेंगे तब उस ऑक्यूपेशन को समझेंगे ना। तो बाप का कार्य है सारे विश्व का उद्धार करना, और विश्व का उद्धार करने के लिए बाबा हमें लायक बनाते हैं। किसके द्वारा, राजयोग के द्वारा, राजयोग के द्वारा। पहले हम राजयोगी बने, फिर औरों को भी राजयोगी बना। बाबा हमें राजयोगी बनाते हैं तभी हमारा कल्याण होता है। तो हम पहले राजयोगी बने, फिर औरों को राजयोगी बनाएं, तब तो हम बाप समान कल्याण करने वाले बने ना। बाबा तो है ही, परंतु हमें पहले राजयोगी बनना है, अर्थात अपना कल्याण करना है, फिर हम औरों का कल्याण कर सके। कितनी बाबा बात को समझा रहा है, मतलब बहुत छोटी बात को कैसे समझाता है ना, इस बात को समझना है। देखो कैसे आगे विस्तार कर रहे हैं। अमृत वेले तथा सारे दिन में, बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को स्मृति में लाओ। सारा दिन जब भी चलते फिरते उठते बैठते, बीच बीच में अपना बिजनेस, अपना जो धंधा है वो याद दिलाओ कि मैं राजयोगी हूं। क्योंकि तो मुझे सबको राजयोगी बनाना है, तो उससे पहले मैं क्या हूं, राजयोगी हूं। राजयोगी की सीट पर सेट हो कर रहो। राजयोगी माना राजा, उसमें कंट्रोलिंग भी होता है और रूलिंग पावर भी होती है। कंट्रोल किसको करना है, कंट्रोल किसको करना है, रूल किसको करना है, कंट्रोल करना है बुराइयों पर, फिर रूल करना है कर्म इंद्रियों पर। मन इच्छाएं हैं, जैसे इच्छाओं को हमें कंट्रोल करना है। सबसे पहला इच्छा मात्रम अविद्या बनना है,
इसके लिए कंट्रोल करना है कि हमने कोई भी संसारिक इच्छा नहीं रखनी। तो जब हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करेंगे, बुराइयों को आने से रोकेंगे, मन में बुरे संकल्प नहीं आने देंगे, बोल में, कर्म में, वो हमने कंट्रोल करना है। फिर रूलिंग करना है अपनी कर्म इंद्रियों को, बाबा की श्री मत पर चलाना है, फिर कर्म इंद्रियों को चलाना, मन बुद्धि संस्कार इनको कंट्रोल करना है। और ये जब कंट्रोल में आ जाएंगे तो इसकी इनकी रूलिंग पर ये सारी कर्म इंद्रियां चलेंगी। वे एक सेकंड में मन को कंट्रोल कर सकते, कौन? जो राजयोगी। एक सेकंड में मन में वही संकल्प आएगा, वे कभी अपने संकल्प बोल कर्म को व्यर्थ नहीं गवा सकते। अगर चाहते हुए भी व्यर्थ चला जाता है तो उसे नॉलेजफुल व राजा नहीं कहे, राजयोगी नहीं कहे। स्लोगन, स्वयं पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज्य अधिकारी। स्वयं पर राज्य करने वाले, स्व कौन? स्व कौन? आत्मा। आत्मा पर राज्य करेगा कौन? आत्मा का तो एक है, मन, मन बुद्धि संस्कार थे नहीं? आत्मा इन तीनों को बाबा की श्री मत पर चलाएंगे, क्योंकि तीनों बेशक अलग अलग फैकल्टी हैं, तीनों मिलकर बेशक आत्मा बनते हैं, आत्मा कहलाते हैं, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों को एक मत होना ही राजा बनना है। तीनों फैकल्टी में से एक भी फैकल्टी यदि एक मत नहीं हुई है तो दिल नहीं और वो राजा भी नहीं। स्व पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज्य अधिकारी। राज्य स्वयं पर करना है, आत्मा पर करना है, शरीर पर नहीं। वही स्वराज्य सच्चे स्वराज्य अधिकारी है, मतलब मन बुद्धि संस्कार तीनों एक बाप की मत पर चलने वाले हो जाएं, तब हम हैं स्वराज्य अधिकारी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम धरे, मतलब जो बाबा का अविनाशी ज्ञान है इसको दुनिया ने अनेक नाम दिए, कैसे कैसे दिए वो मम्मा समझा रही हैं। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं, रखे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। फिर कोई ने ज्ञान वर्षा भी कहा है, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब्ज हरी भरी हो जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य हैं वो सत्वगुणी मनुष्य बन जाते हैं, हैं तमोगुणी, क्या बन जाते हैं? सत्वगुणी बन जाते हैं। और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है, इस ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य पांच विकारों की अग्नि में जल रहे थे उससे ठंडे हो जाते हैं। यह उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो गीता में परमात्मा साफ कहते हैं, कामेशु क्रोधेशु, उसमें भी पहला मुख्य है काम। जो ही पांच विकारों में मुख्य बीज है,
जो ही पांच विकारों में क्या है, मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध लोभ, कुर्सी सीधी कर लो, मोह अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है, उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उस ही बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूरी बुद्धि में हो जाती है, तब ही विकारों का बीज खत्म हो जाता है। बाकी सन्यासी तो समझते हैं विकारों को वश करना बड़ा कठिन, विकारों को वश करना बड़ा कठिन है, इसलिए क्या करते हैं, वो घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। अब ये ज्ञान तो सन्यासियों में है ही नहीं, तो ऐसी शिक्षा वो देवे कैसे? सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो। परंतु असल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट ही गई। कहां वो सतयुगी त्रेतायुगी देवी देवताएं, उनकी मर्यादा, और जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे, अब वो सच्ची मर्यादा कहां है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा कर रहे हैं, एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वो तो कोई जानता ही नहीं, बस इतना कहते हैं, प्रचार करते हैं मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना, विकार में ना जाना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए, तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो निर्विकारी बनो, इससे तो निर्विकारी बन नहीं सकते। निर्विकारी बनने के लिए पहले पहले इस ज्ञान तलवार से इन पांचों विकारों के बीज को खत्म करना है, पांचों विकारों के बीज को खत्म करना है, तभी विकर्म भस्म हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या 9213106986 पर संपर्क करें, 9650699370 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।